हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वैशाली वर्मा वेलकम यू ऑल टू द स्टोरी टेलर्स। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ पोएम वर्ड्स टू अ ग्रैंडचाइल्ड। इन दिस पोएम द ग्रैंड पेरेंट्स आर एडवाइसिंग टू देयर ग्रैंडचाइल्ड हाउ द लाइफ शुड बी और द फ्यू वर्ड्स ऑफ विजडम विच कैन मेक देयर लाइफ बेटर। नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। परहैप्स देयर विल बी अ डे, परहैप्स का मतलब फिर भी एक ऐसा दिन होगा, यू विल वॉन्ट टू सिट बाई माई साइड, जब तुम बैठना चाहोगे मेरे पास, आस्किंग मी टू कंसील। कंसील मीन्स टू एडवाइस, जब भी कोई सजेशन की ज़रूरत होगी तब। आई होप आई विल बी देयर, मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं वहाँ हूँ। बट यू सी आई एम ग्रोइंग ओल्ड, लेकिन तुम देख सकते हो मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। देयर इज़ नो प्रोमिस, और ऐसा कोई वादा नहीं है दैट लाइफ विल, कि मेरे पास और लाइफ होगी उस समय जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तब। लिव अप टू आर होप्स, हमारी जितनी भी होप्स हैं उन सब के लिए तुम जीना। स्पेशली टू द होप्स ऑफ द एज्ड, और स्पेशली उन होप्स के लिए जो बूढ़े हो चुके लोगों की होप्स हैं। सो आई राइट ऑफ व्हाट आई नो, और इसीलिए ताकि तुम जो लाइफ जी रहे हो उसमें जिन एडवाइस की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी वो मैं तुम्हें दे सकूँ, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। आई रोट वॉट आई नो, राइट मीन्स लिखना, नो मीन्स जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वो लिख रहा हूँ। एंड सम डे आर हार्ट्स विल मीट इन दीज वर्ड्स, और किसी एक दिन हमारे हार्ट्स इन वर्ड्स के साथ मिल पाएंगे। मीट मीन्स मिलना। इफ़ यू लेट इट हैपन, और अगर तुमने ऐसा होने दिया, अगर तुमने उन एडवाइस को फॉलो किया, इन लेटर्स को पढ़ा, तो यू आर अ पर्सन ऑफ लिटल, तुम एक छोटे बच्चे हो, छोटे इंसान हो, और हो सकता है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा ना कर पाओ। बट इट्स बेटर टू हैव लिटल, लेकिन ऐसा कोई मैंडेशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि तुमको कुछ बहुत बड़ा ही करना है। ऑफ वॉट इज़ गुड देन टू पजेस मच, जो तुम्हारे लिए काफ़ी है उसी को अपने पास रखना काफ़ी है। ऑफ वॉट इज़ नॉट गुड, इससे अच्छा कि आप पूरी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें अपने पास रखो जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ योर हार्ट विल नो इफ़ यू लेट इट हैपन, और ये तुम्हारे हार्ट को पता होगा कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर तुम ऐसा होने दोगे तो। ईच डे ब्रिंग एन आर ऑफ मैजिक, हर दिन एक ऐसा आर आएगा जिसमें पूरे वर्ल्ड का जितना भी मैजिक है, यू कैन सी दैट, लिसन टू इट, उसको सुनना। Things will whisper their secrets. Thing means the life. Life will whisper. Whisper का means होता है low sound में बोलना. Their secret. वो सारी चीज़ें जो तुमको नहीं पता है वो life तुम्हें बताएगी. You will know. तुम्हें पता चलेगा. What fills the herbs with goodness? क्या है जो सारे पेड़ों को goodness से भर देता है? Makes the day change into the night. जो एक दिन को रात में बदल देता है, एंड टर्न्स द स्टार, और सारे के सारे स्टार्स को आसमान में ले आता है। एंड ब्रिंग द चेंज ऑफ सीजन, और क्या है जो हर बार सीज़न को बदल देता है? व्हेन यू हैव कम टू नो सम ऑफ द नेचर्स वाइज वे, जब तुम्हें पता चले नेचर के ये सारे के सारे सीक्रेट्स जो तुम्हें वो बता रही है, इन सीक्रेट हिंट्स, उन सारे हिंस की फॉर्म में जो स्टार्स से, लाइट से, या फिर अदर फॉर्म में नेचर तुमको बता रही है। बी अवेयर ऑफ योर कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी मीन्स द फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, जब आपको पता हो कि इससे ज़्यादा की अब आपको ज़रूरत नहीं है। बी अवेयर ऑफ दैट, इस बात का ध्यान रखना। फॉर यू कैन नॉट बी वाइजर देन द नेचर, तुम कभी भी नेचर से, मदर अर्थ से ज़्यादा वाइज, ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते हो। यू कैन ओनली बी एज वाइज एज मैन, एनी मैन विल एवर होप टू बी, तुम सिर्फ उतने ही वाइज हो सकते हो, उतने ही बुद्धिमान हो सकते हो जितना एक नॉर्मल ह्यूमन हो सकता है। इफ़ यू लेट इट हैपन, अगर तुम ऐसा होने दो तो। सो दिस वॉज द पोएम। इफ़ यू एंजॉयड द पोएम, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। Signing off.